पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माला शाहानी है और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन अल्तमश जनरल हॉस्पिटल कराची में सिटिंग करती हूँ। मेरी मैं प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके साथ, प्रेगनेंसी का 9 महीने चेकअप, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, उसके अलावा इनफर्टिलिटी, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, रिकरेंट मिसकैरेजेस और हर किस्म की गायनी से रिलेटेड सर्जरी, हिस्ट्रेक्टमी हो गया, यूट्रस का रिमूवल या फाइब्रॉइड यूट्रस या किसी भी कैंसर या ओवेरियन सिस्ट, हर किस्म की सर्जरी भी कर सकती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? सर्विक्स एक्चुअली यूट्रस का इनिशियल पार्ट होता है, जिसको हम यूट्रस का मुंह भी कह सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक औरत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है और ये मोस्ट कॉमनली 80% तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है और पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है। ये अनफॉर्चुनेटली अगर ये कैंसर अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोस हो जाए तो 100% प्रिवेंटेबल भी है, क्योरेबल भी है, इसका ट्रीटमेंट भी 100% हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये कैंसर डायग्नोस ही नहीं हो पाता, हमारे पेशेंट्स जो है वो ट्रीटमेंट या किसी भी प्रिवेंटिव मेजर को सीख ही नहीं करते, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और डेथ रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जो हमारी माहवारी की ब्लीडिंग आती है, दो माहवारी के बीच में अगर एक पेशेंट को कभी कभार आती रहे या स्पॉटिंग होती रहे या इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग हो या फिर मेनोपॉज, मेनोपॉज एक जब एक उम्र के साथ माहवारी बंद हो जाती है उसके बाद खून आए, तो ये जो है वो सस्पेक्ट करते हैं सर्वाइकल कैंसर को। या कोई वजाइनल डिस्चार्ज हो जिसमें स्मेल हो जो बिल्कुल नॉर्मल किस्म का ना हो, मुस्तकिल कमर का दर्द रहना या पेल्विक में पेल्विक पेन रहना, कभी कभार रेक्टम या ब्लेडर की ब्लीडिंग भी जो है वो सर्वाइकल कैंसर का एक सिम्टम होती है। रिस्क में क्या क्या आते हैं, कौन सी पॉपुलेशन को ज़्यादा होता है? वो जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, जिनके हाइजीनिक मेजर अच्छे नहीं होते हैं, जिनको इन्फेक्शन लगने का चांस ज़्यादा होता है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। इसका मेजर वजह ही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है और ये ज़्यादा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्री है, रूरल एरियाज़ में बीड़ी पान गुटके का कंजप्शन या ज़्यादा लोग खा पी रहे होते हैं। ठीक है, अर्ली मैरिजेस, जो कम उम्र में शादियां होती हैं, फिर उसके साथ नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, यहाँ पे हमारे यहाँ 3-4 शादियाँ भी बहुत कॉमन हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, एक औरत के 9-10 बच्चे भी होते हैं, तो ये सारे मिला के रिस्क फैक्टर होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। ठीक है, ये बहुत ही साइलेंट कैंसर, शुरू में साइलेंट होता है अगर हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अगर हमने टाइम पे उनको डिटेक्ट कर लिया अगर, तो इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उस प्रिवेंशन में क्या आ जाता है? वैक्सीन अवेलेबल है। अगर हम एक लड़की को सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले, जब वो कॉलेज गोइंग है, जैसे कि 10 से 15 साल की उम्र में वैक्सीन कर दें तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाएगी। उसी वैक्सीन के 2-3 डोज होते हैं। अगर 9 से 15 साल की एज में नहीं कर सके तो एट लीस्ट बिफोर मैरिज लाजमी करवाना चाहिए। सेकेंड नंबर पर आ जाता है पेप स्मियर टेस्ट। पेप स्मियर टेस्ट बहुत ही ईजली हर गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है और OPD बेस्ड प्रोसीजर होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई एबनॉर्मल सेल तो नहीं है। और ये हर औरत को 20-25 ईयर्स के बाद एवरी 3 ईयर करवाना चाहिए टिल द एज ऑफ 55 ईयर्स। ठीक है, 55 साल के बाद हर 5 साल के बाद करवाया जाता है 65 ईयर्स के बाद। अगर इस पूरे ड्यूरेशन में कोई भी एबनॉर्मल सेल्स नहीं आते तो हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं।
लेकिन अगर एबनॉर्मल सेल्स आते हैं तो अर्ली स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है। उसके साथ साथ हमारे पास और जदीद तरीके हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी आ गया, विजुअल इंस्पेक्शन आ गए, ये हर जगह अवेलेबल नहीं है लेकिन ये भी तरीके मौजूद हैं हमारे पास। इसको बहुत ही सही से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर स्मोकिंग कम की जाए, अल्कोहल कंजप्शन कम की जाए, अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आप अपने जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लो, जिसमें कॉन्डोम यूजेज आ सकता है, और वैक्सीनेशन की अवेयरनेस और पेप टेस्ट थिंक, और इसका जो है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हो गया और इनिशियल स्टेजेस में है, जैसे एक कैंसर की स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर होता है, अगर ये कैंसर इस पहले के स्टेजेस में ही डायग्नोस हो जाता है तो हिस्ट्रेक्टमी, रेडिकल हिस्ट्रेक्टमी और रेडियोथेरापी के साथ इसका 100% क्योर होता है। अगर आपको सर्वाइकल कैंसर के मुतल्लिक या किसी और भी गायनी के बीमारी के हवाले से कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप डॉक्टर माला शाहानी के नाम से ओला डॉक पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या डायरेक्ट अल्तमश जनरल हॉस्पिटल कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।